गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है डे टू और आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं कोल कंडोली माता के, जो कि नगरोटा में है, जम्मू में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर माता वैष्णो ने अपना बचपन का टाइम गुजारा था जब वो प्रकट हुई थी। उसके बाद इसे कहते हैं कि जब भी किसी को माता वैष्णो देवी की यात्रा करनी होती है तो पहला पड़ाव यही होता है, उसके बाद आगे वैष्णो देवी जाना होता है। ये आप दर्शन कर रहे हैं, ऐसा दिखता है कुछ मंदिर। और ये हमारा सीरीज का सेकंड एपिसोड होगा। इधर से सीधा और देखिए सामने लोग जा रहे हैं, उसमें है सीधा जाकर आपको आगे मंदिर होगा मेन माता का, वहाँ पर माता जी के दर्शन होते हैं। और माता जी यहाँ पर बच्चों के साथ खेला भी करती थी, जो यहाँ पर पास में ही बच्चे रहते थे उनके साथ आकर खेला करती थी। और कहते हैं जब भैरव पीछे लगा था तो माता वैष्णो यहीं से गए थे। आप सभी लोगों को यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए गाइस, इसे पहला पड़ाव माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग वैष्णो देवी जाने से पहले होकर जाते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है जो ज़्यादा मतलब दूर से आते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं। आप सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आना। जम्मू से ही अगर आप ट्रेन या बस से आ रहे हैं जम्मू तक आकर आगे आप नगरोटा के लिए बस ले सकते हैं। वहाँ पर बस स्टैंड के पास ही आपको नगरोटा के लिए बस मिल जाएगी, वहाँ से आप सब लोग ले सकते हैं। और आप सब लोगों को मैं बता दूँ कि इस लोकेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है, जो लोकल लोग हैं उन्हें कोई ज़्यादा पता है। आज हम अपनी यात्रा को यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोगों को आगे भी दिखाएंगे। इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मिनट की रखूँगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं इसमें आप सभी लोगों को मेन कौन कंडोली माता के दर्शन कराना चाहता था। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर उधर सामने इसके पेड़ के बैक साइड में टेम्पल, वहाँ पर आप सभी लोग माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाया, मुझे वहाँ पर ना। और मैं आप सभी लोगों को बताऊँ, आप सब लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप सभी लोग यहाँ पर आकर फिर आगे की कटरा की चढ़ाई को चढ़ने के लिए जाना, जो कि आगे के पड़ाव माने जाता है। सबसे पहला पड़ाव माता वैष्णो देवी का कोल कंडोली माता। सभी लोगों को ये भी बता दूँ कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान ही माता वैष्णो की तपस्या यहाँ पे करी थी, तो माता वैष्णो ने उनसे प्रसन्न होकर यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे मंदिर का निर्माण तुम ही करोगे, लेकिन एक ही दिन के अंदर आपको इस मंदिर का निर्माण करना होगा, रात्रि के समय में ही, रात्रि के समय में ही ख़त्म करना होगा, इसी के अंदर अंदर आपको इस मंदिर को कम्प्लीट करना होगा। तब कहा जाता है कि पांडवों ने माता वैष्णो को कहा था कि आप बताइए एक दिन के अंदर हम रात्रि के अंदर अंदर कैसे अब इतने बड़े मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो माता वैष्णो ने फिर हनुमान जी से कहकर सूरज को फिर से ग्रहण करने के लिए कहा था। और माना जाता है कि उस दिन की वो रात्रि 6 माह की रही थी। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा लगने वाला था उसी टाइम पे सूरज हो गया था, तो फिर उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ था। और तभी से ये पहला प्रथम स्थल माना जाता है। माता वैष्णो देवी से जाने से पहले काफ़ी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनसे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप सभी लोग एक बार जम्मू अगर आएँ तो वैष्णो देवी जाने से पहले यहाँ पर दर्शन जरूर करके आएँ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को आगे वैष्णो देवी की चढ़ाई में, तब तक के लिए बाय। सेकेंड व्लॉग को एंजॉय करना।